नहीं है, उसका हार निश्चित है। बीदर के लोग बदलाव चाह रहे हैं, बीदर के लोग बदलाव चाह रहे हैं। विकास खान जी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर इफ्तार पार्टी में हम सब लोग भाग लिए। ये भाईचारा का एक संदेश। एमडी मूसा एमएसएनएसएस ग्रिल वर्कशॉप शिपुर रोड संतोष गैस के सामने, यहाँ पे सभी तरह के फैब्रिकेशन और हमस लाइट का काम किया जाता है। तो आज इफ्तार पार्टी में हम सब लोगों ने बहुत बड़ा चर्चा भी किया। मैं मेरे तरफ से सभी लोगों को, बीदर की जनता ही नहीं पूरे राज्य के जनता को रमजान का हार्दिक हार्दिक बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। सर, अपोजिशन यह हवा फैला रही है कि कांग्रेस का कैंडिडेट है वो जो बच्चा है कैंडिडेट बोलते, उसके बारे में क्या? अरे भाई, कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो एक बहुत ही टॉप लॉयर है, वो कानून का पदवीधर है, युवक है, 26 साल का युवक है, लेकिन उसने अभी जो हाल ही संसद है उसको चैलेंज दिया है। अगर हाल ही संसद में अनुभव है या उनमें कोई अध्ययन किया है, नॉलेज है, ज्ञान अगर है, तो कहीं भी किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेस पे, किसी भी इश्यू के ऊपर, या वो राज्य लेवल का इश्यू हो या इंटरनेशनल लेवल का इश्यू हो, डिबेट करने के लिए वो तैयार है। अगर वो डिबेट में अगर लोग तय करने दीजिए किसमें कितना ताकत है, किसमें कितना दम है, किसमें कितना अध्ययन है, संशोधन किसने किया है, कितना किसमें ज्ञान है, तो ये क्या हमारे विरोधी लोग इसको मान लेते हैं? पूछो उनको। अरे उनका तो कोई योगदान नहीं है, अब तो उनको मालूम हुआ है कि वो हार उसका हार निश्चित है। बीदर के लोग बदलाव चाह रहे हैं और इस बार डेफिनेटली बदलाव आ जाएगा, और हमारे विरोधी जो उम्मीदवार है बीजेपी का, उसका घमंड टूटने वाला है, ये बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू सर।